अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ कैसर नज़ीर और आप देख रहे हैं अमेजिंग कैसर टीवी। मोजस नाज़रीन, पांचवें और आखिरी T20 मैच में बिलाखिर पाकिस्तानी टीम ने न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त दी। हालांकि पाकिस्तानी टीम ने जब अपनी इनिंग का आगाज़ किया तो उस वक्त बाल बहुत ज़्यादा स्विंग हो रही थी, स्ट्रोक्स खेलना तो दूर की बात, बाल को मिडल करना भी बहुत मुश्किल हो रहा था। और इस मुश्किल विकेट के ऊपर मोहम्मद रजवान ने अच्छी बैटिंग का मुजाहरा किया और फिर फ़खर जमान ने 206 के स्ट्राइक रेट के साथ शानदार बैटिंग करते हुए 4 शानदार छक्के भी लगाए, जिसकी वजह से पाकिस्तानी टीम ने 136 रन का हदफ न्यूजीलैंड के सामने रखा। और इस हदफ को देखते हुए यूँ लग रहा था कि पाकिस्तानी टीम इस सीरीज़ में क्लीन स्वीप हो जाएगी, लेकिन पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत ही शानदार बॉलिंग करते हुए न्यूजीलैंड की टीम को 92 रन पर ऑल आउट कर दिया। और पाकिस्तानी बॉलर अपने रवायती अंदाज में आज बॉलिंग करते हुए दिखे। गो कि यह सीरीज़ पाकिस्तानी टीम हार गई, लेकिन इस सीरीज़ में कुछ अच्छी चीज़ें देखने को मिली। एक आउट ऑफ फॉर्म बाबर आजम फॉर्म में वापस आए और उन्होंने इस सीरीज़ में पाकिस्तान की जानिब से सबसे ज़्यादा रन बनाए। और उसके बाद ख़ास बात, शाहीन आफरीदी भी सीरीज़ में फॉर्म में आते हुए नज़र आए। पिछले मैच में उन्होंने 4 विकेटें हासिल की और इस मैच में उन्होंने 20 रन देकर 1 विकेट हासिल की। और सबसे अहम बात, जिस पर शाहीन आफरीदी को काफ़ी तनकीद का निशाना बनाया जाता था, एक तो उनकी स्विंग नहीं थी वो भी इस सीरीज़ में देखने को मिली, और फिर उनकी जो पेस थी वो लगातार गिर रही थी। लेकिन नाज़रीन आपको बताते जाएं, जो शाहीन आफरीदी ने आखिरी बैटर न्यूजीलैंड का आउट किया वो खूबसूरत यॉर्कर पर क्लीन बॉल्ड करते हुए न्यूजीलैंड की टीम की आखिरी विकेट गिराई। उस बाल की जो रफ़्तार थी वो 146 किलोमीटर की रफ़्तार से शाहीन आफरीदी ने करवाई। इससे लग रहा है शाहीन आफरीदी अब मकम्मल तौर पर फिट हो चुके हैं, जो कि पाकिस्तानी टीम के लिए आने वाली सीरीज़ में एक पॉजिटिव साइन है। नाज़रीन, अगर आप पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के हवाले से कोई लेटेस्ट न्यूज़ जानना चाहते हों या दुनिया भर में क्रिकेट के हवाले से कोई भी न्यूज़ जानना चाहते हों, आपसे गुजारिश है चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल बटन को ज़रूर प्रेस करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।